दोनों अपनार अभय और अशोक डिंडा। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए केवल, समय में कॉपरेट करना है, कामा स्पोर्ट कामा। पहली गेंद कटर थी अंदर की जानी, भाई आंख बंद करके खेला था अभय ने, विकेट कीपर भी भीड़ हुए। भाई के साथ शुरुआत, भूमि 11 मांडा, एक रन बिना किसी विकेट के। मुकाबला चल रहा है कामा स्पोर्ट कामा और भूमि 11 मांडा। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही गोरसई बी से टकराएंगी। इस बार दबा फ्लिक कर दिया है, पिकअप शॉट, 6 रन। क्या गजब का स्ट्रोक खेला अशोक डिंडा ने। डिंडा अपने हाथ में बैट नहीं बल्कि डंडा लेके आए हैं, जिस तरह से पिकअप स्ट्रोक खेला था। 6 रन, 7 पे पहुंचा स्कोर। इस मरतबा धीमा बाउंसर था, हुक करना चाहते थे, 1/4 ओवर का इशारा अंपायर का। एक बाउंसर आप कर चुके हैं। केवल सामना करेंगे अशोक डिंडा, भूमि 11 मांडा। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है, बैकफुट पे गए हैं, कट किया है लेकिन डीप पॉइंट पे खिला रही है, गेंद थोड़ी घूमी है। और इस बीच अशोक डिंडा ने आराम से 2 रन बना लिए। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है भूमि 11 मांडा का 9। देखिए भूमि 11 का एक टारगेट हमेशा रहता है 60 और उसके आसपास, उनको हिदायत होंगी कि आपको बनाना है, ज़्यादा बने तो ठीक, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। रिंकू फहीम डिंडा, इस मरतबा हुक करने की कोशिश। हमारे बीच कमेंटेटर योग गायकर का आगमन हुआ है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। केवल बैकफुट पे गया, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जाजीबुल नजर शॉट, क्लासिकल स्ट्रोक, जगह दे बैठे थे वहां पर, केवल बैकफुट पे चले गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन। क्रिकेट का सबसे क्लासिकल शॉट कहां जाता है। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है। केवल ने अब तक 1 ओवर में 13 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 13 भूमि 11 मांडा के बिना किसी विकेट के। अभय जायसवाल, हालांकि नो लुक शॉट के लिए काफी जाने जाते हैं, लेकिन अब तक उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। अब की बार उन्होंने पंच किया, क्या ये खिलाड़ी पहुंचेंगे? नहीं, सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे वहां पर। 2 रन से अभय जायसवाल ने अपना खाता खोला, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 15। गेंदबाजी कर रहे हैं सुजल, सुजल सामना करेंगे अभय जायसवाल। अभय जायसवाल की भी गेंद बल्ले पे नहीं आ रही आज, जिस तरह इवन पवन का बल्ला नहीं चल रहा है, जायसवाल का भी नहीं चल रहा है। हमारे बीच फिरिंगपाड़ा से मानीश्री भावेश पाटिल और नितेश पाटिल साहब हैं, दोनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, निवेदन करते हैं आपको मंच पे आना है। कट करने की कोशिश, उछाल को भांप नहीं पाए थे वहां पर। देखिए अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, नो आर्गुमेंट्स। बहुत ही अनुभवी अंपायर है। इस मरतबा पंच किया,
और गेंद निकल गई है 6 रन। क्या गजब का शॉट है, चमाट स्ट्रोक अशोक डिंडा के बल्ले से आता हुआ, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त 22 रन बिना किसी विकेट के भूमि 11 मांडा। गजब का शॉट खेला था डिंडा ने बैकफुट पे जाकर सुजल। ओहो हो हो क्या शॉट है, 6 रन, तीर निकला कमान से जा मिला आसमान से, सुजल को चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया अशोक डिंडा ने 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 28। गजब का शॉट खेला था फिर से गेंद मैदान के बाहर, मस्तक पे दस्तक 6 रन, अशोक डिंडा ऑन फायर, रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं। वर्षा रुकी है लेकिन रनों की वर्षा होती हुई और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 34। महंगा ओवर खत्म किया सुजल ने, 21 रन दे डाले। गेंदबाजी में भावेश आविष्कार को बुलाया गया है, आविष्कार को चमत्कार करना होगा क्योंकि डिंडा जिस तरह से बल्ले से नहीं बल्कि लगभग डंडे से पिटाई कर रहे हैं। लेकिन अभय जायसवाल आज थोड़ा ऑफ कलर लग रहे हैं, 140 ओवर का इशारा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा है आविष्कार। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे, गेंद अपेक्षा से कम उठी, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में पहुंची 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 36। भूमि 11 मांडा कमांडिंग पोजीशन में है। अच्छी गेंद, क्रीज में पीछे जाके खेलना चाहते थे और चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। 1 रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पे पहुंचा है। इस ओवर में आविष्कार फंसा रहे हैं बल्लेबाजों को। 38 रन, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है फील्डर है और आखिरकार देखना है क्या कुछ हुआ है। यस इज आउट, अभय जायसवाल फिर फ्लॉप हुए। आखिरकार उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, निकल के मारा था उन्होंने लेकिन लॉन्ग ऑन पे बहुत बढ़िया कैच, मेरे ख्याल से वहां पे केवल थे जिन्होंने इस कैच को लिया है और पहला विकेट गिरता हुआ फहीम इधरी सॉरी री चिंटू आए 1 डाउन पे। अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम घुड़सई से खेलेंगी, फिर 3 टॉप की टीमें रहेंगी, 1 चिट्टी के बलबूते पे फाइनल पे जाएंगी और 2 का सेमीफाइनल। रिंकू ने ड्राइव किया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर से, खिलाड़ी आए
एक रन बनता हुआ रिंकू का खाता, चिंटू का खाता खुला है और कुल स्कोर भूमि इलेवन मांडा का 39 रन एक विकेट। ओवर समाप्त होते हुए तीन एक गेंद बाकी, अभी भी कितनी गेंदे, तीन गेंदे बाकी, सॉरी। देखना है कि गेंदबाजी के लिए चौथे ओवर में किसको लाया जाता है, जबकि आविष्कार की है गेंद, स्विंग करने की कोशिश, लंबा ओवर चलता हुआ वाइट, 40 पे पहुंचा है स्कोर, काफी लंबा ओवर चल रहा है आविष्कार का। फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद है, वन प्लस वन, दो रन स्कोर में आते हुए दिवाली समाप्त होने के बाद बोनस दे रहे हैं आविष्कार, कुल स्कोर 42 पे पहुंचा है। ये पैर पे नहीं कुल्हाड़ी मार रहे हैं बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। आविष्कार, ओ स्मार्टाबा, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, आउट ऑफ पार्क, 6 रन। हालांकि नजरें हटी थी वहां पे रिंकू की, लेकिन कमाल का कनेक्ट किया, चिंटू की, ये रिंकू सिंह बहुत दिमाग में बैठ गए, वैसे चिंटू का रोल भी वही है। फिर से हुक कर दिया है, कोई मौका नहीं, 6 रन, बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाते हुए चिंटू, ये प्रेशर है जो साफ नजर आ रहा है। आविष्कार के सामने यलगार हो रही है और स्कोर बातों बातों में 54 रन पे पहुंचा है तीसरे ओवर में। आविष्कार का वार जाता हुआ बेकार, आविष्कार फिर से बहुत ही तेज ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर में अच्छी फील्डिंग, एक रन। कमेंटेटर मजहर खान ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और प्रशांत गोराटकर को इस कप के लिए भी ऑल द बेस्ट कहा है और आने वाले मैच के लिए जो फील्डिंग साइड है उसके लिए स्पेशली कांबे टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। हमारे बीच मनीश्री विक्रांत मुंडे साहब जो भिवंडी को बिलोंग करते हैं वो जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, वेलकम सर। प्रशांत गोराटकर के जो संबंध है वो बहुत दूर तक है, इस बात का सबूत है। डेथ ओवर में गेंदबाजी की कमान इस वक्त जय के पास है। अब जय जिन्होंने कैच बहुत अच्छा पकड़ा था, छोटे कद के जय आए हैं, हालांकि लॉन्ग ऑन पे वहीं खिलाड़ी जा रहे हैं। केवल सामना करेंगे चिंटू, यहां से 10 रन और बनाती तो एक अच्छा टोटल बना लेंगी कांबा टीम के सामने भूमि इलेवन मांडा। हुक करने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। रन पूरा करते हुए बल्लेबाज, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ भूमि इलेवन मांडा का हो चुका है 56 रन। अशोक डिंडा के पास स्ट्राइक,
इस मैच के बाद आज के तीन मैचेस रह जाएंगे। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और गुरसई भी इस मरतबा अजीब और गरीब शॉट खेला है डिंडा ने। व्हाइट एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन एक विकेट गंवाने के बाद 57 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। ऑन द राइज खेला है बल्ले पे पूरी तरह गेंद नहीं आई है डीप मिडॉन पे गेंद को उठाया है लेकिन दो रन आसानी से बना लिए। इन दो रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 59 पे पहुंचा है भूमि 11 मांडा का। अच्छा बाउंसर धीमा बाउंसर है अशोक डिंडा को कठिनाइयों में रखा है। अच्छी बॉलिंग हो रही है डेथ ओवर में। देखिए डेथ ओवर के जो भी गेंदबाज रहते हैं उनके लिए इतना आसान काम नहीं रहता। आप इतिहास उठा के देखिए चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो 8 मरतबा डेथ ओवर के गेंदबाज को बदनामी का सामना करना पड़ता है और 2 मरतबा उनका नाम होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल गेंदबाज हैं जो डेथ ओवर में 10 में से 8 मरतबा जिनका नाम भी होता है। इस मरतबा पुल किया पीछे खिलाड़ी नहीं रोक पाए पहले बाउंस पर 4 रन। हालांकि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे युवा गेंदबाज जय। इस मरतबा पीछे रखी भी गेंद थी बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया पुल किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 64 पर 64 64 रन। इस मरतबा गेंद आसमान में रह गई मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी चिंटू ने 2 रन बना लिए। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 पे पहुंचा है 66 66 रन एक विकेट गंवाने के बाद। गति परिवर्तन लेकिन नो बॉल दूसरा बाउंसर फ्री हिट आता हुआ एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ भूमि 11 मांडा का पहुंचा है 67 रन 67। देखिए क्रॉमन कंपनी चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बादल तो गहरे हैं लेकिन बरसात का नाम नहीं। इस मरतबा स्विंग कर दिया है भिंगड़ी शॉट है गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन। अच्छा फिनिश किया वहां पर तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने हैं 74 की चुनौती रखी है कामा स्पोर्ट्स कामा के सामने। मैं प्रशांत गोराटकर साहब पूरी टेमोली की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और स्पेशली परेश गोराटकर इन सभी का विशेष धन्यवाद करता हूँ। टेमोली वासियों का धन्यवाद। मुझे 2 दिन बुलाया था लेकिन 1 दिन भी पूरा आपको दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज लगभग 15 साल बाद यहाँ मैंने कमेंट्री की है। इससे पहले कब था जब 15 साल पहले यहाँ किया था। विशेष धन्यवाद सभी का साथी कमेंटेटर समीर ठाकरे अल्पेश गायकवाड आपका भी और टेलीकास्ट टीम आपका भी डीजे मैन आपका भी। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत और विक्रांत सन्माननीय विक्रांत मुंढे या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून करतोय। मी या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक प्रणेते प्रशांत पंढरीनाथ गोराटकर आपल्याला विनंती करतोय
की आपण आपल्या शुभाशय त्यांना सन्मानित करावं. विक्रांत मुंढे यांचा आपण हा शाही सन्मान पाहतोय. धन्यवाद. आणि त्यानंतर मित्रांनो, आपण ज्यांचा आवाज या स्पर्धेमध्ये ऐकलात, बऱ्याच वर्षांपासून खर तर प्रतीक्षा होती की टेंभवलीच्या मैदानावर सिद्दीक भाबे सरांचा आवाज ऐकायला मिळावा, आणि अखेर द केक राऊंड कंपनी चषकामध्ये जरूर त्यांनी वेळात वेल काढून आपल्याला या स्पर्धेत वेल दिला, त्याबद्दल आम्ही आपले आभार मानतो. आणि सिद्दीक भाबे सरांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित देखील करतोय. जर तुम्हाला समालोचन त्यांचं आवडलं असेल तर एकदा जोरदार टाळा वाजू द्या. व्हॉइस ऑफ ठाणे जिल्हा, हजारांहून जास्त स्पर्धा सिद्दीक भाबे सरांनी आज कव्हर केल्या. हे पाहतोय आपण सिद्दीक भाबे सरांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित केलं जात आहे. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक प्रशांत गोराटकर आणि परेश गोराटकर यांच्या शुभाशय हा सन्मान येथे केला जातोय. धन्यवाद सर, आपण या स्पर्धेसाठी आलात त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आपले मनापासून आभार मानतो. हॅलो हॅलो, सामना सुरू होतोय. या वेळेला पहिलाच बॉल केवळ ऑन स्ट्राईक, आणि पहिल्याच बॉलवर आडव्या बॅटनं प्रहार केलाय. लॉंग ऑनला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव त्या ठिकाणी मिळाली आहे. टार्गेट 74 धावसंख्येचा आता इथून पार करायचं आहे. जबरदस्त फटकेबाजी आपल्याला बघायला मिळाली. अशोक डिंडा जबरदस्त खेळ करताना दिसला. ओ प्रथमेश या अगोदरच्या सामन्यामध्ये चमकदार कामगिरी या खेळाडूनं केली होती, त्याच पद्धतीनं खेळ प्रथमेशला देखील करावं लागेल. तेव्हा हा टार्गेट कुठेतरी अचीव करू शकतात. इनिशियल ओव्हर्समध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवणं गरजेचे. फुल टॉस बॉल पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केला स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. फिल्डर येत आहेत लॉंग ऑनचे बॉल वरती. मिस फिल्डिंग झाली आणि बॉल सरळ सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. पहिला चौकार. या वेळेला सोडून दिला हा बॉल, बघावी लागेल लाईन चुकीची आहे आणि पंचांनी तेच कळवलं. इट्स अ व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धाव या ठिकाणी जोडली जाणार आणि धावसंख्या एका धावेने पुढे सरकत असताना 6 या आकड्यावरती. स्पर्धा म्हटली तर स्पर्धेमध्ये खरं तर एका दुसऱ्याचं काम नसतं, प्रत्येकाने सहाय्य करणं गरजेचं असतं. स्टँड अँड डिलिव्हर, जबरदस्त फटका. लॉंग ऑनला मात्र फिल्डर सज्ज होता, तो सरळ स्क्रीन समोर आला आणि त्याला पकडली झेल. फलंदाज होतोय फेल. पहिला धक्का टीम कांबेला.
चर्चा आपण करत होतो या स्पर्धेमध्ये जे दानशूर व्यक्तिमत्व ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला सर्वोत्तपरी सहाय्य केलं त्यामध्ये सुजित तात्या पाटील कालनेरचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती त्यांच्या माध्यमातून तब्बल 10,000 रुपये आर्थिक सहाय्य आम्हाला या स्पर्धेसाठी आलं. तदनंतर प्रवीण बडवी साहेब टेंबवलीचे विद्यमान सरपंच यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपये रोख आम्हाला आर्थिक सहाय्य. तदनंतर पांडुरंग धर्मा पाटील कुकसेचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती त्यांच्या माध्यमातून तब्बल 5,000 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य आम्हाला आलं. तसेच दिनेश पाटील टिवरीचे उद्योजक 5757 5,757 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य आम्हाला आलं. आणि यावेळेला नितीशच्या बॅटमधून ब्लास्ट षटकार पाहायला मिळाला. गुड शॉट. ह्याच फटक्यांची गरज आहे. चर्चा आपण करतोय बाळा शेठ माजी सरपंच ग्रामपंचायत खारबावचे 5,000 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य आम्हाला या स्पर्धेसाठी त्यांनी देखील दिलं. नितीन भोईर टेंबवलीचे उद्योगपती 2,000 रुपयांचं आर्थिक सहाय्य विनोद पाटील. त्याचबरोबर स्वप्नील बाबरे नितीन नांदुरकर केवल पाटील पडगा मयूर गोराटकर उमेश जोशी टेंभवली या सर्वांचा आम्हाला भरपूर महत्त्वाचा आणि मोलाचं सहाय्य या स्पर्धेसाठी लाभलं. तदनंतर संदीप चव्हाण पडगा चेतन मोरे पडगा विकी चव्हाण त्याचबरोबर गणेश क्षीरसागर अशा अनेक दिनेश क्षीरसागर यांच्या माध्यमातून आम्हाला भरपूर मोठं सहाय्य लाभलं. त्यानंतर भावेश गोराटकर यांनी आम्हाला पूर्ण दिवस पाण्याची व्यवस्था केली. जयंत जोशी टेंबवली यांच्या माध्यमातून देखील आम्हाला सन्मान चिन्ह आले. त्याचबरोबर रुकेश गोराटकर टेंबवली विकी गोराटकर तसेच अजित पाटील कालवार धनाजी गोराटकर टेंबवली आणि मयूर भोईर च्या सोबतीला आपण पाहतोय दिगंबर पाटील यांनी देखील आम्हाला भरपूर मोलाचं सहाय्य केलं. तसेच या स्पर्धेमध्ये तब्बल रोख रक्कम प्रथम क्रमांकासाठी 50,089 रुपये 89 हा जो त्यांचा लकी आणि फेवरेट क्रमांक आपण म्हणूया प्रशांतदादा गोराटकर यांच्या माध्यमातून आम्हाला आलं. आणि त्यांच्याच वाढदिवसाचं औचित्य साधून खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा भरवण्यात आली. त्याचबरोबर द्वितीय क्रमांकासाठी 25,089 रुपये आणि एक ट्रॉफी या स्पर्धेमध्ये आम्हाला प्रशांत आणि परेश गोराटकर यांच्या माध्यमातून आली आहे. त्याचबरोबर थर्ड प्राईजसाठी 10,089 रुपयासाठी कॅश प्राईज आम्हाला योगेश भाऊ मांडा यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आलं आणि ट्रॉफी प्रशांत गोराटकर आणि परेश गोराटकर यांच्या वतीनं या स्पर्धेमध्ये स्पॉन्सर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मॅन ऑफ द सिरीजसाठी कूलर आम्हाला विकास इलेक्ट्रिक पडगा यांच्या वतीनं आलेल्या आहे. त्याचबरोबर ट्रॉफी आम्हाला संदीप गोराटकर ज्यांनी पुरस्कृत केली आहे. सध्या सामना सुरू आहे जिथे 74 टार्गेट चेस्ट डाऊन करत असताना सेकंड ओव्हरमध्ये भरपूर स्ट्रगल करताना फलंदाज दिसतात चिंटू. चिंटूकडे लेंथ चांगली आहे वेग चांगला आहे आणि तो चिंटू आता यावेळेला चांगला खेळ साकारतोय. पुन्हा एकदा हलुवार गतीने बॉल सोडला आणखी एक डॉट बॉल. बेस्ट बॅट्समनसाठी ट्रॉफी आम्हाला पंकज भोईर टेंभवली यांच्याकडनं आली आहे. बेस्ट बॉलरसाठी मनोज काठे मॅन ऑफ द मॅचसाठी आम्हाला बंडा गोराटकर यांच्याकडनं देखील ट्रॉफी स्पॉन्सर झालेल्या आहेत. या सर्व पुरस्कर्त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि धन्यवाद त्यांना करेन की ज्यांनी आम्हाला सहाय्य केलं आणि त्यांच्या सहाय्यामुळे ही स्पर्धा यशस्वी सध्या तरी होत असताना. त्याचबरोबर संपूर्ण जय हनुमान स्पोर्ट टेंभवलीचे सर्व क्रिकेटर्स आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय की प्रशांत गोराटकर आणि परेश गोराटकर यांचा मित्र परिवार प्रमुख सहकार्य प्रणय पाटील जुनांदुर्की मुकेश जाधव त्याचबरोबर विशाल राऊत अतुल ठाकरे उमेश जोशी मयूर गोराटकर मेहुल गोराटकर विकी गोराटकर गीतेश गोराटकर आणि त्यांच्यासोबत विराज गोराटकर आणि गुड्डू नांदुरकर त्याचबरोबर वीर पाटील लाखिवली या सर्वांचा आम्हाला प्रमुख सहकार्य या स्पर्धेला सफल करण्यासाठी लाभलं. मी सर्वांचा मनापासून आभार मानतो. सध्या आपण पाहतोय 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 15 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. येणारे 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 59 धावांची आवश्यकता. म्हणजेच काय तर 12 बॉलमध्ये 10 सिक्सर मारावे लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी. रोहन तयार यावेळेला उडवला बॉल चांगला टायमिंग आहे एक्स्ट्रा कव्हरला स्वीट व्हॉइस आणि बॉल सर सीमेच्या बाहेर 6 धावा षटकार.
नितेश हजारेच्या बॅट मधून एक क्लासिकल फटका, लॉफ्टेड कव्हर ड्राईव्ह, एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर हा षटकार पाहायला मिळाला. पाऊस आता पुन्हा सुरू झालाय. फुल टॉस बॉल, इथे देखील सर बॅटनं चांगला प्रहार केलाय. स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड, बॉल सीमेच्या बाहेर. आणखी एक येतोय चौकार. याच फटक्यांची सुरुवातीला गरज होती. आता हे फटके या ठिकाणी सुरू झालेत. हो, इथे मात्र बाउन्स जास्त पाहायला मिळाला. हुक करण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल. हे डॉट बॉल दबाव वाढवतील, कारण आता इथून आपण विचार केला तर भरपूर रन्स बनवायचे आहेत. मात्र ही परिस्थिती सध्याची फलंदाजांसाठी थोडीशी कठीण. पाऊस देखील सुरू झाला आणि त्याच्यामध्ये रन्स वेगाने बनवायचे आहेत. दुरून ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. थोडीशी फुटवर्कची कमतरता पाहायला मिळाली. बॉलच्या लाईनमध्ये न येता ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल. ऑफसाईडच्या बाहेरून सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू निघून गेला. षटकार, चौकार आणि त्याच्यानंतर दोन निर्धाव. धावसंख्या स्थिर आहे 25. पुन्हा फुल टॉस. समोर ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल जरूर होता, ड्राईव्ह करण्यात आले. लॉंग ऑफला बॉल ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण झाली आणि इथे पहा आता दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता आणि दोन धावा देखील त्या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात. तो फुल अँड पॉवरफुल, वन मोर बिग इट, अनदर सिक्सर. षटकाराच्या साह्यानं धावसंख्या पुढे सरकली आहे 32 रन्स 32 वर. तीन षटकांचा खेळ संपला आणि तीन षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 33 रन्स 33 जावा. उर्वरित शेवटचे सहा बॉल शिल्लक आहेत. ओ, यावेळेला आपण पाहतोय एक्स्ट्रा बाउन्स. एक धाव पडून पूर्ण झाली आणि पंचांचा व्हाइट बॉलचा देखील इशारा आलाय. दुसरी ही धाव घेतली जाते. बघा या ठिकाणी थोडस मी म्हणे लेझी क्रिकेट सुरू आहे आणि तीन धावा दरम्यान जोडल्या गेल्या. धावसंख्या आपण पाहतोय तीन धावांनी पुढे सरकत असताना 36 वर 36. लेन बॉल होता. यावेळेला आपण पाहतोय फोर्स करण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. राउंड द विकेट. क्लीन बॉल, दांडी उडवली आहे फलंदाज बाद. उडवली आणि जगन नानाला या ठिकाणी सफलता मिळत असताना न्यू बॅटर बॉबी रापटे मैदानामध्ये एंटर झाला. येथून आता फॉर्मॅलिटी आर लेफ्ट असंच म्हणावं लागेल, कारण आता शेवटचे चार चेंडू शिल्लक आहेत. यावेळेला फक्त दिशा दिली आहे. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल कट केलाय. एकच धाव त्या ठिकाणी जोडली जाईल आणि धावसंख्या एका दावेने पुढे सरकत असताना 37 वर 37. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय थोडस सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. वारंवार चुका पाहायला मिळाल्यात.
आणखी एक डॉट बॉल, शेवटचा बॉल शिल्लक आणि आता फार मोठ्या मार्जिन भूमी इलेव्हन मांडा संघ विजयाच्या उंबरड्यावरती आणि याच बरोबर मॅच फिनिश. सामना येथे संपलेला आहे आणि मॅच जिंकली फार मोठ्या मार्जिन भूमी इलेव्हन मांडानं.